प्रीति लगी तुम नाम की। एक पहले बिसरे ना प्रीति लगी तुम नाम की। अरे एक पहले बिसरे ना। स्मरण याद क्या है? जो एक पल के लिए भी एक क्षण के लिए भी भूलते नहीं है। स्मरण यानी कि जिसका विस्मरण ना हो, जो एक पल के लिए भी भूले नहीं। याद तभी याद है कि कभी आपको भूले नहीं, कभी उसका आपको विस्मरण नहीं। जो बार बार भूल जाए, जिसको बार बार याद करना पड़े, जिसे संभाल संभाल कर स्मृति में लाना पड़े, जिसको बैसाखियों के सहारे पर खड़ा करना पड़े, वो याद भी कोई याद है? वो याद नहीं। याद कैसे होने चाहिए? जिसे पनघट से कोई नारी पानी का घड़ा भर के और सिर के ऊपर रख लेती और उस घड़े को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। उस घट में पानी भरा है, वो उस पनघट से वापस आते हुए गीत भी गा रही है, कोई प्यारा प्यारा मीठा मीठा गीत गुनगुना रही है, अपनी सहेलियों से सखियों से गपशप भी कर रही है, उनके साथ मस्ती भी कर रही है, उनके साथ हंसी ठिठोली भी कर रही है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए, ये सब कुछ बातें करते हुए भी जिसका ध्यान, जिसकी याद सदा सर्वदा हमेशा कहा है, उस घड़े के ऊपर, उस घट के ऊपर, उस घड़े को वो भूलती नहीं, उसका उसको विस्मरण नहीं हो रहा है, उसने उसको याद रखा है, अब घड़े को पकड़ा हुआ भी नहीं है। घड़ा तो सिर पर है ना, लेकिन उसको याद है। वो सब दूसरे कार्य करते हुए भी उस घड़े को भूल नहीं रही है, उसका विस्मरण नहीं कर रही है, इसलिए उसको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई घबराहट भी नहीं है कि घड़ा गिर जाएगा, क्योंकि दूसरे सब कार्य करते हुए भी उसको याद है कि मेरे सिर के ऊपर घड़ा रखा हुआ है। तो अनेक दूसरे कार्य करते हुए भी वो घड़ा ना गिरता है, ना अपने स्थान से जरा भी इधर उधर होता है, क्योंकि उसकी याद उस सिर पर रखे हुए घड़े में लगी रहती है। आप देखते हैं ये गांव गांव शहर शहर चल रहा है, हम बार बार अपने को संभालते हैं लेकिन फिर भी याद चली जाती है, फिर भी उसका विस्मरण हो जाता। वो हाथ भी नहीं लगाते घड़े को लेकिन घड़ा फिर भी संभला रहता है। याद समले रहती है, बात चलती रहती है, चर्चा होती रहती है, हंसती रहती है, गाती रहती है, हजार गपशप होती रहती है, लेकिन ये सब बाहर बाहर की बातें हैं, ये ऊपर की बातें हैं। उसके अंतर में उसकी सुरती, उसका जो ध्यान है, वो तो उस घड़े के ऊपर केंद्रित है,
उसकी सुरती के अंदर वो घड़ा ही मुख्य है और उसकी स्मृति बनी हुई उसके ऊपर उसका ध्यान एकीकृत होना, उसको पल के लिए भी विस्मृत नहीं होना, यही युक्ति है घड़े को संभालने की। और हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में भी यही करना है। हमारा प्रतिदिन का जीवन जो है उसमें भी हमको यही करना है। संसार में रहना है, संसार के कार्य करने हैं, करते रहो, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन ये सब कार्य करते हुए भी जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा टारगेट है, जहां हमको पहुंचना है, उसको हमें विस्मृत नहीं करना। यही मेडिटेशन है, यही योग है, यही ध्यान है। उसके लिए एकांत में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव नो नीड टू सिट अलोन, बी ए पार्ट ऑफ द क्राउड। लेकिन ये बात रखें कि मुझे उसको विस्मरण नहीं करना है, उसको भूलना नहीं है। जब उसकी याद पल भर के लिए भी आपके मन से जाएगी नहीं, तो फिर वो आपको पथ भ्रष्ट नहीं होने देगा, अपने मार्ग पे चलने से उसमें होने वाले अवरोधों को आने नहीं देगा। हमारी दुविधा यही है, हमारी समस्या यही है, हमारी हर व्यक्ति की स्थिति यही है कि हम जहां दूसरा कार्य करने लगे, जहां किसी और वर्क में इंडल्ज हुए, अपने उस टारगेट को, उस लक्ष्य को भूल जाते हैं, उसे इधर उधर हो जाते हैं। हम एक किसी ऐसी चट्टान पर खड़े हैं जहां बहुत थोड़ा सा स्थान है और थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ है, एक भी पांव इधर उधर रखा क्षण भर के लिए, तो संभावना है कि हम तत्क्षण नीचे गिर सकते हैं। जैसे उस परिस्थिति में आपका पूरा ध्यान वहां केंद्रित है, इसी प्रकार इस परिहारण से हमको शिक्षा लेनी है, इस परिहारण से हमको ज्ञान लेना है। Easiest way to do meditation, हर व्यक्ति की यह समस्या है। हर व्यक्ति हमारे से प्रतिदिन आके पूछता कि स्वामी जी ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, क्या करे। सरलतम साधन, जब ध्यान में बैठे हो तो सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करो और उसके बाद इस पनिहारिन को याद करो। इस पनिहारिन को अपनी स्मृति में ले आओ और स्मृति में क्या ले आओ, पनिहारिन ही बन जाओ कि मेरे सिर के ऊपर भी, मेरे शीश पर भी यही घट रखा हुआ है और मुझे इस घट को स्मरण रखना है। बाकी कार्य होते रहे, बाकी कार्य चलते रहे। आप देखेंगे आपको धीरे धीरे शनै शनै स्लोली स्लोली लगेगा कि हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है। ध्यान तो बहुत शीघ्र केंद्रित हो जाता है, अर्लीएस्ट एंड इजिएस्ट। लेकिन क्या है कि हम ध्यान को ध्यान ही नहीं रखते, उसकी हमें याद ही नहीं रहती, उसकी हमें स्मृति ही नहीं रहती। हम एक उसको याद रखें, उसको बेसिक मान लें, बाकी वस्तुओं को प्रिलिमिनरी मान लें, उसको मुख्य मान लें और बाकी वस्तुओं को गौण मान लें, तो आप देखेंगे कि आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा।
Nobody can change you. आपको दूसरा कोई बदल नहीं सकता है. You have to change you yourself. आपको स्वयं अपने को बदलना है. अपने को परिवर्तित करने के लिए किसी भी बड़े से बड़े संत का, बड़े से बड़े वक्ता का योगदान बहुत कम है. इसमें आपका योगदान सर्वाधिक है. You have to do this. इसको आपको ही करना पड़ेगा, स्वयं ही करना पड़ेगा. आज ही प्रारंभ कर दीजिए, आज ही शुरुआत कर दीजिए. समझ लीजिए कि मेरे सिर पर यह घड़ा है और इस घड़े में मेरा इष्ट, मेरा भगवान, मेरा प्रीतम, मेरा साहिब भरा पड़ा है और मुझे इस घड़े में से एक बूंद भी छलकने नहीं देनी है. एक इसका कण भी इधर उधर बिखरने नहीं देना. आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे. कि फिर आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है, अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है. प्रीत लगी तुम नाम की, एक पहले बिसरे ना.